हेलो दोस्तों, कैसे आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने टीवी में ये हार्ड डिस्क कैसे जो है चलाएंगे। तो दोस्तों, ये हार्ड डिस्क जो है लैपटॉप का अंदर का हार्ड डिस्क है। मैंने अपने लैपटॉप में SSD लगाया तो इसको बाहर निकाला, तो अब इसको मैं क्या करूँ। तो मैं सिंपल सी बात है, इसमें फाइलें भरूंगा, टीवी में देखूंगा कहाँ कहाँ लगाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये हार्ड टीवी प्ले नहीं कर सकता, हार्ड टीवी नहीं चला सकता। जिस टीवी में 2-3 USB लगता है वो टीवी चला सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको खरीदना होगा ये इसको क्या बोलता है, ये साटा केबल जैसा ही है, लेकिन इसमें 2 USB दिया हुआ है। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। इसको जो है आप ऐसे लगाना, देखिए जैसे कि लैपटॉप के अंदर में होता है उसी तरह ये। तो इसको हम ऐसे लगा देंगे, इसमें फिट कर देंगे, देखिए इसको हम फिट कर देंगे। तो ये फिट हो गया। अब यहाँ पर आपके पास 2 USB है, तो जिस टीवी में 2 USB लगता है वो टीवी चला सकता है इसको, और ये टीवी में नहीं लगता है तो ये टीवी नहीं चलाता। लेकिन मैं दूसरे तरीके से चलाऊंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, आपके पास होना चाहिए ये, इसमें ज़्यादा मल्टीपल USB लगा सकते हैं, ये लैपटॉप कंप्यूटर में ये काम लगता है। तो मैं ट्राई करता हूँ इसे चलाने के लिए, इसे भी नहीं चलेगा तो मैं दूसरा तरीका भी है मेरे पास। तो आपके पास कोई टीवी है तो वो चला भी सकता है, नहीं भी चला सकता है, तो आपको सारे मेथड ट्राई करना है। तो मैं ये मेथड ट्राई करता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये टीवी का ये पिछवाड़ा है, यहाँ पर जो है ये मैं लगाऊंगा USB में। थोड़ा अंधेरा है लेकिन दिख जाएगा। ये लगाने के बाद में जो है यहाँ पर देखिए, लाइट जला तो ये ऑन हुआ। तो हम इसमें लगाएंगे ये सब कोड केबल हम इसमें लगाएंगे, और यहाँ पर जो है लाइट आ गया। एक लाइट तो ये पावर का है और ये दूसरा एक्सेस का है, तो चलेगा तो ये लाइट जलेगा, ब्लू वाला लाइट। तो मैं अपने टीवी में जाता हूँ, होम बटन दबाता हूँ और यहाँ पर मीडिया में जाके वीडियो में क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, दिस USB डिवाइस नॉट सपोर्टेड यहाँ पर बता, लेकिन ये मेरे टीवी में ऐसा बता रहा है, आपकी टीवी में चल भी सकता है। तो ये फेल हो गया, तो हम इसको यहाँ पर से निकालते हैं और फिर हम देखिए स्मार्ट बॉक्स से चलाएंगे। ये हमारा स्मार्ट बॉक्स है, तो हम इससे ट्राई करेंगे चलता है कि नहीं चलता है, क्योंकि स्मार्ट बॉक्स में मल्टीपल USB लगाने का ऑप्शन है। तो हम इसको यहाँ पर लगाते हैं, एक को यहाँ पर लगा दिए, ये हमारा स्मार्ट बॉक्स है, यहाँ पर लगा दिए और ये हमारा टीवी से कनेक्ट है। तो ये लगाने के बाद में जो है स्मार्ट बॉक्स आपका माउस से भी चलता है, इजी होता है, रिमोट से ज़्यादा इजी होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने लगाया और ये स्टार्ट हो गया, ये लाल वाला भी बटन जला और ये एक्सेस अभी जला था फिर बंद हो गया। तो चलिए हम इसको फाइल में जाते हैं, माई एप्स में जाने के बाद में फाइल मैनेजर में गए। फाइल मैनेजर में जाने के बाद में यहाँ पर देखिए USB का ऑप्शन है यहाँ पर, तो देखिए हमारा ये चलने लगा। तो हम यहाँ पर एक कोई गाना प्ले करते हैं यहाँ पर जाके, तो चलिए। तो देखिए हमारा गाना प्ले होते ही जो है यहाँ पर ये लाइट भी जलने लगा, ब्लू लाइट एक्सेस हो रहा है। तो हमारा हार्ड डिस्क जो है इसमें चल रहा है कि दोस्तों हमारा हार्ड डिस्क चल रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि आपको कैसे अपना हार्ड डिस्क जो है अपने टीवी में चलाना है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।